Swayam Prabha, Digital India, Educated India. नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों मेरा नाम डॉक्टर हिमानी सिंह है मैं इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट जीएलए यूनिवर्सिटी मथुरा में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ मैं जिस विषय को आपके सामने लाई हूँ उस विषय का नाम है प्रबंधन प्रक्रिया और संगठनात्मक व्यवहार यानी कि मैनेजमेंट प्रोसेस एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर आज हम जिस व्याख्यान की बात करने वाले हैं वह है इंडिविजुअल मोटिवेशन यानी कि इंडिविजुअल प्रेरणा के सिद्धांत या फिर व्यक्तिगत प्रेरणा के सिद्धांत तो चलिए पहले सिद्धांतों के बारे में बात करने से पहले जो जानना जरूरी है वह है कि प्रेरणा होती क्या है मोटिवेशन क्या है तो विद्यार्थियों इस सत्र के अंत तक आप निम्न चीजों में सक्षम हो पाएंगे हम इसमें प्रेरणा के अवधारणा की बात करेंगे उसके कॉन्सेप्ट की बात करेंगे इसके साथ ही साथ हम अलग अलग जैसे कि मैस्लो की थेरी एल्डरफर की प्रेरणा की थेरी इन सब पर भी चर्चा करेंगे तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पहले समझते हैं कि प्रेरणा यानी कि इंडिविजुअल मोटिवेशन आखिर है क्या प्रेरणा और अभिप्रेरणा अंग्रेजी भाषा के मोटिवेशन का हिंदी अर्थ है मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति भाषा के मोटम शब्द से हुई है जिसका अर्थ है मूव तथा मोशन, या गति करना आगे बढ़ते रहना जब भी हम मोटिवेशन की बात करते हैं तो इसमें तीन चीजों की आवश्यकता होती है सबसे पहले तो आपके पास आपकी कोई जरूरत कोई चाहत कोई इच्छा यानी कि डिजायर वांट, नीड होनी चाहिए जिसके लिए आप प्रेरित होंगे उस प्रेरित होते होते आपके अंदर उस कार्य को करने की प्रेरणा जागती है थोड़ा सा और डिटेल में बात करते हैं कि प्रेरणा आखिर है क्या तो प्रेरणा लोगों के कार्यों इच्छा और लक्ष्यों का कारण है अभी प्रेरणा एक जटिल शक्ति है एक कॉम्प्लेक्स फोर्स है जो एक व्यक्ति को एक संगठन में काम करने के लिए शुरुआत करवाती है और सिर्फ यही नहीं अभिप्रेरणा एक ऐसा प्रेरक बल है जो व्यक्ति को निश्चित व्यवहार या निश्चित दिशा में चलने के लिए बाध्य भी करता है और अगर हम प्रेरणा को थोड़ा सा और गहन विचार में जाकर बात करें तो प्रेरणा या किसी भी इंसान के अंदर प्रेरणा होना या उसे प्रेरित होना इतना आसान नहीं है जब हम बात करते हैं कि कोई भी इंसान प्रेरित है तो उसके अंदर ये तीन चीजें जरूर पाई जानी चाहिए इन तीनों में से किसी भी एक तत्व का ना पाना यह दर्शाता है कि वह इंसान मोटिवेटेड नहीं है यानी कि उसके अंदर प्रेरणा नहीं है तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो होता है तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी किसी भी कार्य करने की इंटेंसिटी उसके अंदर है क्या जैसे बहुत आसानी से लोग कह देते हैं कि हम इस चीज के लिए प्रेरित हैं हम वो काम करने के लिए प्रेरित हैं लेकिन असल में उनको यह समझने की जरूरत है कि क्या ये तीनों तत्व उनके अंदर हैं उस कार्य को करने के लिए तो सबसे पहली चीज होती है इंटेंसिटी यानी कि तीव्रता एंतुजियाजम ऊर्जा एनर्जी उस कार्य को करने के लिए जैसे किसी इंसान ने सोचा या उसने कहा कि मैं ई की परीक्षा को क्लियर करने के लिए प्रेरित हूं तो सबसे पहली चीज जो उसके अंदर चाहिए वह चाहिए ऊर्जा उस कार्य को करने के लिए एंथ पार इंटेंसिटी तीव्रता इच्छा क्या वह है उसके अंदर अगर वह है तो जो दूसरे तत्व की हम बात करते हैं, वह होता है दिशा यानी कि डायरेक्शन उसने कहा कि मुझे वह बहुत ही उत्सुक है बहुत ही ऊर्जावान है आई की परीक्षा को लेकर लेकिन क्या वह सही किताबों से पढ़ाई कर रहा है क्या उसको निर्देशन सही दिए जा रहे हैं क्या उसके अध्यापक उसको सही पुस्तकों से सही किताबों से सही नोट्स से पढ़ने की सलाह दे रहे हैं क्या वह उसे बता रहे हैं सही डायरेक्शन में या उसके पास सही डायरेक्शन है कि कितने घंटे किस प्रकार किस सब्जेक्ट को किस विषय को उसको कैसे पढ़ना चाहिए वे परीक्षा तो पास करना चाहता है लेकिन उसके पास एक अच्छा डायरेक्शन नहीं है उसे पता ही नहीं है कि कौन सी ऐसी पुस्तकें हैं कौन सी ऐसी किताबें हैं जो अहम हैं पढ़ने के लिए या उसे ये नहीं पता कि किस विषय में उसको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है या किस विषय को किस प्रकार पढ़ने की ज़रूरत है तो चाहे उसके अंदर कितनी भी ऊर्जा हो उस कार्य को करने की वह कितना भी एंथुजियास्टिक हो उसको हम पूर्ण रूप से प्रेरित इंसान नहीं कहते तो सबसे पहली चीज मैंने बात करी थी तीव्रता की इंटेंसिटी की उसके बाद मैंने बात करी दिशा की यानी कि डायरेक्शन की अब तीसरी मैं बात करूंगी अटलता यानी कि परसिस्टेंस पहली चीज तो इंसान ऊर्जावान है एंथुजियास्टिक है ऑप्टिमिस्टिक है अपनी आई की परीक्षा को लेकर इसके साथ ही साथ उसके पास सही दिशा भी है उसके पास सही किताबें सही पुस्तकें सही तरीके से पढ़ाई करने के माध्यम भी हैं लेकिन वो हफ्ते में कभी एक बार पढ़ता है कभी एक महीने में दो घंटे पढ़ लेता है कभी एक साल में चार घंटे पढ़ लेता है उन किताबों से तो क्या हुआ उसके अंदर परसिस्टेंस यानी कि अटलता नहीं है उस कार्य को करने की एक कंसिस्टेंसी नहीं है एक जैसा व्यवहार वो नहीं कर पा रहा है कंसिस्टेंट पैटर्न नहीं है उसकी पढ़ाई में तो जब मैं कहती हूँ कि मैं आई की परीक्षा को पास करना चाहती हूँ और मैं मोटिवेटेड हूँ आई बनने के लिए तो मेरे अंदर अगर मैं कहती हूं कि मैं प्रेरित हूं मैं मोटिवेटेड हूं तो मेरे अंदर ये तीनों चीजें होनी चाहिए इन तीनों चीजों में से एक भी घटक नहीं होगा एक भी घटक नहीं है तो आप अपने आप को प्रेरित नहीं कह सकते या आप प्रेरित ही नहीं हैं सही मायनों में तो।, तो जब हम प्रेरणा की बात करते हैं तो उसके लिए इंटेंसिटी डायरेक्शन परसिस्टेंस यानी कि तीव्रता दिशा और अटलता होनी बेहद जरूरी है तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रेरणा के सिद्धांतों की जिसमें सबसे पहला और सबसे सरल और सबसे बेसिक सिद्धांत है मैस्लो का अभिप्रेरणा सिद्धांत मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स थेरी एब्राहम मैस्लो जाने जाते हैं अपनी प्रेरणा के सिद्धांत के लिए उन्हें जो प्रेरणा का सिद्धांत दिया वह सबसे बेसिक एक आधार बना बाकी और प्रेरणा के के सिद्धांतों लिए। यह सिद्धांत 1943 में एक पत्रिका में प्रकाशित हुआ था और एक पुस्तक मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी में न्यूयॉर्क हार्पर एंड ब्रदर्स 1954 में विस्तार पूर्वक समझाया गया है मैस्लो ने आवश्यकता यानी कि नीड को ही प्रेरणा का आधार माना है उन्होंने कहा कि इंसानों के अंदर कुछ आवश्यकताएं होती हैं कुछ नीड्स होती हैं उन नीड्स को पूरा करने के लिए उन जरूरतों को पूर्ण करने के लिए कोई भी इंसान प्रेरित होता है जब हम मैस्लो की बात करते हैं तो यहाँ मैस्लो ने इन सभी आवश्यकताओं को क्रमबद्ध कहा एक ऑर्डर में कहा एक हैरारकी में कहा उन्होंने कहा कोई भी इंसान लोअर लेवल नीड को यानी कि निम्न स्तर की, की आवश्यकता को पहले पूर्ण करता है जब वह पूर्ण हो जाती है तभी वह अगले स्तर की आवश्यकता को पूरी करने में लगता है उससे पहले वह उस आवश्यकता के बारे में सोचता भी नहीं है तो यहां मैस्लो ने इन सभी आवश्यकताओं को क्रमबद्ध इसलिए कहा क्योंकि इनकी पूर्ति क्रमबद्ध तरीके से ही हो सकती है अर्थात जब तक पहली आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो जाती तब तक व्यक्ति दूसरी आवश्यकता तक नहीं पहुंच सकता अर्थात उसे तब तक दूसरी आवश्यकता के संबंध में ज्ञान भी नहीं होता कि उसको उसकी आवश्यकता भी है तो अगर मैं मैस्लो की थेरी की बात करूं तो उन्होंने कुछ नियम बताए अपनी सिद्धांत के तो सबसे पहला नियम तो उन्होंने यही कहा कि किसी भी इंसान के अंदर जो आवश्यकताएं है होती हैं वह एक क्रमबद्ध तरीके से होती है एक हरार की ऑर्डर में होती है दूसरा उन्होंने कहा कि एक समय पर इंसान की एक ही तरीके की आवश्यकता होती है एक समय पर वह दो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नहीं लगता ऐसा मैस्लो के सिद्धांत में कहा गया इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि जब तक किसी इंसान की लोअर लेवल नीड यानी कि निम्न स्तर की नीड आवश्यकता पूरी नहीं हो जाती वह अगली आवश्यकता अगली नीड के लिए आगे नहीं बढ़ता है उन्होंने एक पिरामिड के थ्रू अपने इस सिद्धांत को समझाया और उन्होंने बताया कि कोई भी इंसान अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए इस ऑर्डर में आगे बढ़ता है सबसे पहले वे मानते हैं कि मानव की फिजियोलॉजिकल नीड्स यानी कि शारीरिक आवश्यकताएं है होती हैं रोटी कपड़ा और मकान यह बेसिक आवश्यकता है किसी भी इंसान को जीवन यापन करने के लिए रोटी कपड़ा और मकान चाहिए होता यह उसकी बेसिक फिजियोलॉजिकल बेसिक शारीरिक आवश्यकताएं है होती हैं उनका यह मानना था कि कोई भी इंसान सबसे पहले प्रेरित होता है अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए जैसे कि अगर मैं आपको उदाहरण के तौर पे बोलूं कि जब कोई इंसान नौकरी ज्वाइन करता है तो सबसे पहले उसके दिमाग में क्या होता है कि मुझे कितनी सैलरी मिलेगी कितना वेतन मिलेगा क्या उस वेतन में मैं अपना जीवन यापन कर पाऊंगा क्या मैं एक घर में रह पाऊंगा अच्छा खाना खा पाऊंगा अब अच्छे में मैं बहुत फैंसी की बात नहीं कर रही हूँ एक बेसिक की बात कर रही हूँ तो जब भी हम कोई नौकरी ज्वाइन करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले होता है कि क्या उस नौकरी के द्वारा मुझे जो वेतन मिलेगा उस वेतन से मैं अपनी बेसिक नीड्स यानी कि बेसिक शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाऊंगा या नहीं जब आपकी वह पूर्ति हो जाती है तब आप आगे बढ़ते हैं दूसरे स्तर की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए जिसका नाम है सुरक्षा की आवश्यकता यानी कि सिक्योरिटी नीड्स जब इंसान की बेसिक शारीरिक आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, तब वह सोचना चालू करता है तब उसकी आवश्यकता उत्पन्न होती है कि मैं जहां काम कर रहा हूं क्या मैं वहां पर फिजिकली और मेंटली यानी कि शारीरिक तौर पर और मानसिक तौर पर सुरक्षित हूं या नहीं हूं क्या ऐसा तो नहीं है कि मैं किसी भी दिन जाऊं और मुझे अगले दिन ही नौकरी से निकाल दिया जाए क्या मेरी नौकरी की कोई स्थिरता है सुरक्षा है क्या ऐसा तो नहीं मैं जहां पर कार्य करता हूं वहां मुझे कोई भी कभी भी आकर मारकर चला जाए मुझे हार्म पहुँचाए तो यह होती है सिक्योरिटी नीड जब आपकी बेसिक शारीरिक नीड पूरी हो जाती है आवश्यकता पूरी हो जाती है तब आप सोचना चालू करते हैं कि कैसे मैं अपना जीवन सुरक्षित बनाऊं। इसके बाद जब आपकी जॉब सिक्योर है आपको लगता है कि हाँ मैं जहां काम करता हूँ वहां मुझे शारीरिक एवं मानसिक सुरक्षा मिल रही है तब आप आगे बढ़ते हैं हायरार्की में और बात करते हैं सोशल नीड्स की यानी कि प्यार एवं संबंधों की आवश्यकता क्योंकि इंसान मानव एक सामाजिक प्राणी है तो उसकी सामाजिक आवश्यकताएं भी होती हैं सोशल नीड्स भी होती हैं जिसमें वह चाहता है कि उसके आसपास के लोगों के साथ अच्छे संबंध बने कॉर्डियल रिलेशंस हों दोस्ती हो उसकी लोग उसको जाने वो लोगों को जाने नेटवर्किंग करें एक प्रबंधक के लिए तो नेटवर्किंग बहुत ही जरूरी है तो सोशल नीड्स का मतलब है कि अब वह इनफॉर्मल फॉर्मल रिलेशन के साथ साथ इनफॉर्मल यानी कि अनौपचारिक संबंधों पर भी ध्यान देता है और वह चाहता है कि जहां पर वो कार्य करता है उसके कुछ दोस्त हों उसके कुछ अच्छे ऐसे लोग हों जिनसे वह अपने मन की बात कर पाए तो जब सोशल नीड्स उसकी पूरी होती हैं तब वह आगे बढ़ता है और बात करता है आत्मसम्मान की आवश्यकता की इसमें मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी कि इस स्तर को कुछ लोगों ने दो भागों में बांटा है एक्सटर्नल एस्टीम और इंटरनल एस्टीम जब हम एक्सटर्नल एस्टीम की बात करते हैं यानी कि बाहरी सम्मान की आवश्यकता और इंटरनल स्टीम तो पहले आती है एक्सटर्नल स्टीम जिसमें हम यह चाहते हैं जिसमें मानव यह कामना करता है कि मैंने अगर कुछ अच्छा कार्य किया है तो उसको लोग जाने पहचाने मुझे मान्यता मिले मुझे रिकोग्निशन मिले मुझे अचीवमेंट मिले मेरे काम को सराहा जाए दस लोगों के सामने मेरे कंपनी में लोग प्रशंसा करें मेरे कार्य की अगर मैं अच्छा कार्य करता हूं तो, तो यह होता है एक्सटर्नल एस्टीम नीड जहां पर हम इसकी बात करते हैं कि हमें खुशी मिलती है जब लोग हमारे बारे में गुणगान करते हैं लोग हमारे हमारे को मानते हैं हमारे अच्छे कार्य को मानते हैं कंपनी हमारे को इस चीज के लिए प्रोत्साहित करती है चाहे वो रिवॉर्ड देकर हो कोई इनाम देकर हो सबके सामने कि इन्होंने अच्छा कार्य किया तो इससे खुशी मिलती है यह भी एक आवश्यकता होती है इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो होता है इंटरनल एस्टीम यानी कि अगर मैं कार्य कर रहा हूं या कर रही हूं तो इसलिए नहीं कि मुझे लोगों की नज़र में आगे बढ़ना है इसलिए क्योंकि मुझे अपनी नजर में आगे बढ़ना है मैं अपने आत्मसम्मान के लिए कार्य कर रही हूं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए काम कर रही हूं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन मेरे बारे में क्या सोचता है लेकिन अब मेरे अंदर की यह आवश्यकता है कि जो भी मैं कार्य करूं मुझे खुद में खुशी दे इसके आगे जब हम बात करते हैं तो पांचवी जो आवश्यकता है जिस पर मैस्लो ने जोर दिया है वह है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी कि आत्मबोध हाँ इस स्तर तक पाया गया है कि बहुत ही कम लोग पहुंच पाते हैं जिनको आत्मबोध होता है सेल्फ एक्चुलाइजेशन कहीं ना कहीं माना जाता है कि इंसान अपना पूरा पोटेंशियल जब रियलाइज करता है तब हम उसको सेल्फ एक्चुलाइजेशन मानते हैं यानी कि आत्मबोध मानते हैं तो मैस्लो ने जिस पर बात करी उन्होंने पांच आवश्यकताओं की बात करी उन्होंने कहा हर मानव में ये पांच आवश्यकताएं होती हैं एक क्रमबद्ध तरीके से होती हैं जब तक निम्न स्तर की आवश्यकता पूरी नहीं होती तब तक इंसान मानव आगे नहीं बढ़ता दूसरी आवश्यकता के लिए तो यह था मैस्लो का सिद्धांत अब आइए देखते हैं कि ई आर जी थेरी क्या कहती है यानी कि क्लेटन एल्डरफर का क्या कहना है क्लेटन एल्डरफर ने मैस्लो के सिद्धांत की पुनः अभिव्यक्ति की लेकिन उन्होंने कुछ चीजें जो कि शायद मैस्लो की थेरी में उनकी लिमिटेशन बन के रह गए थे उनके दोष बन के रह गए थे उनको अपने ढंग से समझाया कि कैसे उन दोषों को हटाकर हम प्रेरणा की बात कर सकते हैं तो सबसे पहले मैं बात करूंगी अगर हम डिफरेंस की बात करें कि मैस्लो ने पांच अलग अलग तरीके की आवश्यकताओं की बात करी थी लेकिन क्लेटन एल्डरफर ने पांच को तीन नीड्स के बारे में कहा था उन्होंने कहा था कोई भी मानव के अंदर तीन तरीके की आवश्यकताएं होती हैं सबसे पहली तो एग्जिस्टेंस एग्जिस्टेंस को उन्होंने मैस्लो की फिजियोलॉजिकल और सिक्योरिटी नीड से कंपेयर किया रिलेटेडनेस को उन्होंने सोशल और एक्सटर्नल एस्टीम नीड से कंपेयर किया और ग्रोथ को उन्होंने इंटरनल एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से कंपेयर किया अब मैं बताती हूं कैसे उन्होंने बताया कि एक्जिस्टेंस यानी कि किसी के अस्तित्व के लिए क्या जरूरी है कि उसका उसकी शारीरिक आवश्यकताएं पूरी हों साथ ही साथ उसको एक सुरक्षित वातावरण मिले तो इसलिए उन्होंने उसको एग्जिस्टेंस नीड्स कहा यानी कि अस्तित्व की आवश्यकताएं कहा दूसरा उन्होंने बोला रिलेटेडनेस कि हम संबद्धता के क्या मायने हैं क्या आवश्यकता है किसी के लिए तो उसमें उन्होंने कहा कि हम सोशल बींग्स हैं मानव एक सामाजिक प्राणी है तो उसकी सामाजिक आवश्यकताएं होती हैं जिसमें वो लोगों से कनेक्शन स्थापित करना चाहता है लोगों से दोस्ती करना चाहता है लोगों से संबंध और अनौपचारिक संबंध भी रखना चाहता है औपचारिक के साथ साथ उसमें वह यह भी चाहता है कि उसके काम की सराहना हो लोग उसको जाने पहचाने उसको भी मान्यता प्राप्त हो इसके अलावा ग्रोथ में उन्होंने बात करी यानी कि विकास की आवश्यकताओं में उन्होंने बात करी कि यह किसी इंसान के सेल्फ रिस्पेक्ट आत्मसम्मान के लिए किए गए कार्य की बात होती है या सेल्फ एक्चुलाइजेशन या आत्मबोध की आवश्यकता की बात होती है अब मैं थोड़ा सा आपको यह बताऊंगी कि कैसे क्लेटन एल्डरफोर की ईआरजी थ्योरी और मैस्लो की हायरार्की थ्योरी अलग थी पहली चीज तो मैंने आपको बता दी कि मैस्लो ने पांच तरीके की आवश्यकताओं की बात करी थी जबकि उन्हीं को क्रमबद्ध, उन्हीं को कम करते हुए एक साथ कुछ चीजों को लाते हुए क्लेटन एल्डरफर ने उस आवश्यकताओं को तीन आवश्यकताओं में कर दिया उसके साथ साथ मैस्लो ने कहा था कि जब तक आपकी निम्न स्तर की नीड आवश्यकता पूरी नहीं होती आप क्रम में आगे नहीं बढ़ सकते लेकिन क्लेटन एल्डरफर ने इसका खंडन किया उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं होता किसी भी इंसान की कोई क्रमबद्धता नहीं होती है आवश्यकताओं को पूरी करने की हो सकता है किसी इंसान के लिए सबसे ज्यादा शारीरिक आवश्यकताएं जरूरी हों लेकिन किसी और इंसान के लिए शायद सुरक्षा आवश्यकताएं सबसे ज्यादा जरूरी हैं तो कोई क्रमबद्ध नहीं होता इसके साथ साथ जैसा कि मैस्लो ने कहा था कि एक समय पर आपकी सिर्फ एक ही आवश्यकता होगी तो क्लेटन एल्डरफर ने कहा कि ऐसा भी जरूरी नहीं है एक समय पर कोई एक एक इंसान साथ अलग-अलग आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बढ़ सकता है तो क्लेटन के अनुसार एक से अधिक स्तरों पर आवश्यकताएं किसी भी समय विशेष पर सक्रिय रहती हैं तथा आधार से प्राथमिकता में उच्च स्तर तक उनमें अधोगामी गतिशीलन होता जाता है यदि कोई व्यक्ति अपनी उच्च स्तरित आवश्यकताओं को संतुष्ट ना कर पाने के कारण परेशान सा रहता है तो वह उससे निचले स्तर की आवश्यकता की ओर वापस आएगा तथा उनको पूरा करके ही संतुष्टि का अनुभव करेगा इसके बारे में हम थोड़ा सा और बात करते हैं क्योंकि एल्डर फर की विचारधारा के निम्न चार अंग थे सबसे पहला संतुष्टि आरोह यानी कि सैटिस्फैक्शन प्रोग्रेशन इसके अनुसार उनका क्लेटन एल्डरफर का कहना यह था कि इंसान को जैसे ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है तो वह दूसरी आवश्यकता की पूर्ति के लिए लग जाता है जब वह संतुष्ट होता है अपनी आवश्यकता की पूर्ति से तो वह आगे प्रोग्रेस करता है आगे बढ़ता है दूसरी किसी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए वह उसे प्रेरणा मिलती है दूसरी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए इसके अलावा उन्होंने बात करी निराशे या विफलता की यानी कि फ्रस्ट्रेशन उन्होंने यह भी कहा कि कई बार ऐसा भी होता है कि कोई इंसान अपनी आवश्यकता की पूर्ति में लगा है लेकिन वह विफल हो गया विफलता से उसे निराशा मिलती है लेकिन वह फिर भी बार बार प्रयत्न करता है उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए लेकिन बार बार उसे विफलता मिलती है तो इस प्रकार वह मनुष्य निराश हो जाता है फ्रस्ट्रेट हो जाता है इसके अलावा जो उन्होंने बात करी वह निराश है पशगमन की यानी कि फ्रस्ट्रेशन रिग्रेशन की उन्होंने कहा कि जैसे एक इंसान किसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए लगा है लेकिन किसी कारणवश वह उसकी पूर्ति नहीं कर पा रहा और निरंतर अभ्यास कर रहा है लेकिन फिर भी उस निरंतर अभ्यासों के बाद भी उसे निराशा ही आहत लग रही है तब इस स्थिति में वह अपने से निम्न स्तर की आवश्यकता की पूर्ति पर लग जाता है अपने से लोअर लेवल की जो नीड होती है उसकी पूर्ति पर लग जाता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि वह अब उसे आसानी से प्राप्त कर लेगा तो यह होता है फ्रस्ट्रेशन रिग्रेशन कि जब हम एक किसी स्तर की आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाते निराशा हाथ लगती है तो हम वापस किसी निम्न स्तर की आवश्यकता की पूर्ति के लिए लग जाते हैं और आखिरी में उन्होंने बात करी अभिलाषा की यानी कि एस्पिरेशन की और उन्होंने कहा मनुष्य निरंतर ही प्रयास करता रहता है नई नई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तो यह था क्लेटन एल्डरफर का ईआरजी आर थेरी ई सिद्धांत जो मैस्लो से या मैस्लो की कमियों को दूर करता हुआ था क्योंकि आप सोच के देखिए जैसा मैंने कहा कि आपने नौकरी पे गए आप तो सबसे पहले मैस्लो के अनुसार क्या होना चाहिए कि सबसे पहले आपको आपकी शारीरिक यानी कि फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी करनी है उसके बाद ही आप सिक्योरिटी नीड्स की बात करते हैं सुरक्षा की आवश्यकता की बात करते हैं और उसके बाद ही आप सोशल नीड्स और फिर आगे लेकिन यह जरूरी तो नहीं है हो सकता है किसी एक बच्चे के लिए नौकरी पर जाते वक्त उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी यही था कि उसके दोस्त ने कौन सी संगठन ज्वाइन किया है कौन सा संगठन ज्वाइन किया है और वह भी उसी में जाना चाहता है चाहे उसे कम पैसे मिले चाहे उसकी जॉब बिल्कुल सिक्योर ना हो तो उसके लिए क्या जरूरी है उस समय पर सोशल नीड्स तो देखिए क्लेटन एल्डरफर्ड ने जो कहा सब इंसान हर इंसान अलग अलग होता है तो उनकी अलग अलग तरीके की आवश्यकताएं है होती हैं यह जरूरी नहीं है कि आप एक क्रमबद्ध तरीके से ही आवश्यकताओं की पूर्ति करें तो चलिए अब हम बात करेंगे उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत की यानी कि मैक्लेंट अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी। डेविड मैक्लेंट का उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जो प्रेरणा की प्रक्रिया को बताता है कि ज़रूरतें क्या हैं और कैसे हैं और उनसे कैसे संपर्क किया जाना चाहिए साथ ही साथ हमारी उम्र लिंग नस्ल या संस्कृति की परवाह किए बिना हम सभी के पास इनमें से एक ज़रूरत है और इसके द्वारा हम सब संचालित होते हैं साथ ही साथ डेविड मैकलैंड ने इन्हें एक्वायर्ड नीड्स के रूप में भी जाना तो आइए जानते हैं कि डेविड मैकलेन ने कौन सी तीन आवश्यकताओं की बात करी थी और उन्होंने कहा कि किसी भी इंसान में यह तीन तरीके की नीड्स तीन तरीके की आवश्यकताएं होती हैं लेकिन सब में अलग अलग परसेंटेज में अलग अलग मात्रा में इसको पूर्ति करने की एक प्रेरणा होती है तो सबसे पहले हम बात करेंगे उपलब्धि की आवश्यकता की यानी कि नीड फॉर अचीवमेंट इसमें मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि कभी आप बचपन में किसी मेले में गए होंगे जब आप मेले में गए होंगे तो आपने वो रिंग वाला खेल भी खेला होगा और उस रिंग वाले खेल में आपने ये जरूर देखा होगा कि अलग अलग पड़ाव होते हैं अगर आप रिंग सबसे पहले वाले क्रम में रखे हुए सामान में डालेंगे तो वह सबसे सस्ता सामान होता है और सबसे आसान भी होता है आपके लिए उसमें अपनी रिंग को डालना जैसे जैसे आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो एक मध्यम स्तर पर सामान रखा होगा जो आपके लिए थोड़ा मुश्किल है लेकिन शायद आप थोड़ी सूझबूझ से अगर अपनी रिंग को डालेंगे तो आपके उपलब्धि हासिल करने के चांसेस हैं और एक होता है सबसे पीछे स्तर सबसे पीछे वाला क्रम जो शायद आपके हाथ में है ही नहीं ये आपको भी पता है और यह जिसने वह सामान लगाया है उसको भी पता है लेकिन वह सबसे महंगा सामान होता है जिसमें आपको पता है कि शायद आपका भाग्य कार्य किया कि आपका भाग्य आपके साथ रहा तो आपको वो सामान मिल जाएगा लेकिन आप ये मानते हैं पूर्ण रूप से कि आप में कहीं ना कहीं वो काबिलियत नहीं है कि आप उसको ले पाए क्योंकि वह वाकई में आपकी बहुत से बहुत बाहर है तो मैंने तीन चीजों की बात करी अब आप में से कुछ लोग होंगे जो शायद सबसे पहले लाइन में जो सामान रखा है उसको टारगेट करेंगे कुछ लोग होंगे जो मध्यम में जो सामान रखा है जिसमें वो सोच सकते हैं कि नहीं हम थोड़ी टेक्निक लगा के थोड़ी तकनीक लगा के थोड़ी सूझबूझ लगा के क्योंकि आगे जो सामान रखा है वह तो हम आंख बंद करके भी रिंग डालेंगे उन्हें पता है कि वो तो मिल ही जाएगा तो उसमें कोई उपलब्धि नहीं है लेकिन अगर हम बीच वाले में उसको टारगेट करते हैं तो शायद अगर मैं अपनी सूझबूझ से अपनी समझदारी से अपनी तकनीक से उसमें रिंग डालूं, तो शायद वो डल जाएगा उसमें फिफ्टी फिफ्टी परसेंट चांसेस हैं लेकिन मुझे पता है कि अगर वो कार्य हुआ तो वो मेरी वजह से होगा क्योंकि मैंने अपनी सूझबूझ के हिसाब से वह कार्य किया और तीसरा तो मैंने भगवान के ऊपर या भविष्य के ऊपर या डेस्टिनी के ऊपर डाला हुआ है कि क्या पता आंख बंद करके डाल दिया अगर हमारे भाग्य में हुआ तो हमें मिल ही जाएगा तो इसमें मैं कहूंगी जो लोग मध्यम स्तर के टारगेट चीजों को टारगेट करते हैं वह होते हैं अचीवमेंट ओरिएंटेड लोग यानी कि जिनको ये समझ होती है कि यह कार्य मेरे द्वारा किया गया है यह मुझे आसानी से नहीं मिला है या यह मुझे भाग्य की वजह से नहीं मिला है यह मुझे मिला है मेरी काबिलियत की वजह से जब हम नीड फॉर अचीवमेंट की बात करते हैं तो जो लोग मध्यम स्तर के मध्यम क्रम वाले टारगेट को या समान को टारगेट करते हैं उनमें नीड फॉर अचीवमेंट यानी कि उपलब्धि की, की आवश्यकता उपलब्धि की जरूरत सबसे ज्यादा पाई जाती है वे ऐसे लोग होते हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी लेना जानते हैं जिन्हें पता होता है कि वह कौन सा कार्य कर रहे हैं उसकी पूरी समझ होती है और वह कोई गैम्बलिंग नहीं करते कि क्या पता शायद हो जाए नहीं वह अपने पूरे स्किल्स पूरे कौशल पूरी एबिलिटीज को लगाकर वह कार्य करते हैं तो ऐसे लोगों में नीड फॉर अचीवमेंट बहुत ज्यादा होती है लेकिन जो लोग या तो भाग्य डेस्टिनी या कोई सरलता से कार्य हो जाए कुछ उन्हें बहुत सरल तरीके से मिल जाए तो ठीक है नहीं तो वह कुछ नहीं करेंगे उनमें नीड फॉर अचीवमेंट यानी कि उपलब्धि की जरूरत या उपलब्धि की आवश्यकता बहुत कम होती है चलिए आगे दूसरी की बात करते हैं जिसका नाम है शक्ति की आवश्यकता यानी कि नीड फॉर पार जिन लोगों में नीड फॉर पार यानी कि शक्ति की जरूरत ज्यादा होती है हायर हायर लेवल पर होती है तो वह लोग हमेशा पावरफुल रहना चाहते हैं वह लोग ऐसे लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं जिनका कुछ स्टेटस है कुछ औहदा है कुछ रुतबा है वह सत्ता में है ऐसे लोग बहुत ही आसानी से चापलूसी भी कर लेते हैं जो लोग सत्ता में हैं उनकी और वे दूसरों को भी कंट्रोल करना चाहते हैं अपने हिसाब से लेकिन जिनमें नीड फॉर पार कम होती है पाया गया है कि वह कम प्रैक्टिकल होते हैं वे मैनुपुलेटिव नहीं होते बातों को तोड़ मरोड़ के नहीं करते हैं साफ बातें करते हैं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सत्ता में है कौन नहीं है वह चापलूसी नहीं करते हैं वे दूसरों को आदेश देना पसंद नहीं करते जिनमें नीड फॉर पावर कम होती है यानी कि शक्ति की जरूरत कम होती है तीसरी जो हम बात करेंगे वह बात करेंगे संबद्धता की आवश्यकता की यानी कि नीड फॉर अफिलिएशन जिन मनुष्यों में नीड फॉर अफिलियेशन का स्तर बहुत ज्यादा होता है वह चाहते हैं अपने आसपास के लोगों से बातचीत करना दोस्ती करना अनौपचारिक संबंध बनाना उन्हें ऊर्जा मिलती है जब उनके आसपास लोग होते हैं उन्हें अच्छा लगता है लोगों से बातचीत करना उन्हें अच्छा लगता है अपने आइडियाज को दूसरों के साथ शेयर करना लेकिन इसके विपरीत जिनमें नीड फॉर अफिलिएशन कम होता है उन्हें एकांत एक अच्छा लगता है उन्हें ज्यादा लोगों के साथ जुड़ना पसंद नहीं होता तो यह डेविड मैकलेंट की तीन अलग अलग तरीके की नीड्स थी और उन्होंने कहा कि हर इंसान में इसकी मात्रा अलग अलग होती है किसी को किसी आवश्यकता की जरूरत है तो किसी को किसी और आवश्यकता की तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं व्रूम के प्रत्याशा सिद्धांत की यानी कि व्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी अभिप्रेरणा के संबंध में 1964 में विक्टर व्रूम ने प्रत्याशा यानी कि एक्सपेक्टेंसी की, की विचारधारा का प्रतिपादन किया व्रूम के सिद्धांत में तीन चरण हैं, जिनको एक समीकरण के रूप में दिया गया है क्योंकि मॉडल सभी तीन चरों का एक मल्टीप्लायर है अतः इसे अभिप्रेरित निष्पत्ति चयनों के समावेश वाला अत्यधिक सकारात्मक मूल्य का होना चाहिए यदि कोई चर शून्य है तो अभिप्रेरित निष्पत्ति की संभावना भी शून्य होगी मैं आपको इसको समझाती हूं अब थोड़ा और विक्टर रूम ने बोला कि अभिप्रेरणा तीन चीजों से बनती है एक्सपेक्टेंसी यानी कि प्रत्याशा इंस्ट्रूमेंटैलिटी यानी कि कर्णत्व और वैलेंस यानी कि कर्षण शक्ति सबसे पहले उन्होंने यह बताया कि कोई भी इंसान सबसे पहले कुछ कार्य करने के लिए कुछ एफर्ट्स लगाता है कुछ कोशिश करता है और जब वह वो कोशिश करता है तो वह आशा भी करता है कि कुछ परफॉर्मेंस यानी कि कुछ प्रदर्शन आएगा सामने और जब उसके सामने कुछ प्रदर्शन आता है उसका तो वह आशा करता है कि उसका कुछ उसे आउटकम भी मिलेगा यानी कि परिणाम भी मिलेगा तो विक्टर रूम ने बोला कि प्रत्याशा जो होती है वह होती है एफर्ट परफॉर्मेंस रिलेशनशिप यानी कि कोशिश और प्रदर्शन के बीच का संबंध प्रत्याशा होती है एक इंसान की आशा जो वह तब करता है कि मैंने कुछ कोशिश करी है तो मुझे कुछ प्रदर्शन भी मिलेगा मेरा कुछ परफॉर्मेंस भी आएगा यह होती है एक्सपेक्टेंसी यानी कि किसी इंसान की किसी, किसी मनुष्य की आशा कि अगर उसने कुछ कार्य अगर उसने कुछ किया है अगर उसने कुछ एफर्ट्स लगाए हैं कुछ कोशिशें करी हैं तो उसके सामने कुछ प्रदर्शन भी आएगा दूसरी उन्होंने बात करी इंस्ट्रूमेंटैलिटी की यानी कि कर्णत्व की जिसमें उन्होंने कहा कि अगर मैंने कुछ प्रदर्शन किया है तो उसका मुझे कुछ परिणाम भी मिलेगा यह था इंस्ट्रूमेंटालिटी कि किसी इंसान की आशा जिस आशा के तहत वह यह मानता है कि अगर मैंने कुछ प्रदर्शन किया है तो मुझे कुछ परिणाम भी मिलेगा साफ शब्दों में समझाऊं तो जैसे आपने अपने एग्जाम पेपर में पढ़ाई करी आपने किताब से पढ़ाई करी नोट से पढ़ाई करी आपने अपने दोस्त से कुछ पढ़ाई करी आपने अपने शिक्षक से कुछ पढ़ाई करी तो ये क्या है ये सब आपके एफर्ट्स हैं आपकी कोशिशें हैं जब आप ये सब कोशिश लगा रहे हैं तो आपको पता है जब आपके सामने परीक्षा पत्र आएगा तो आप कुछ लिख कर आएंगे तो जो आप वो लिख कर आए वो क्या है वो है आपका प्रदर्शन अब जब वो आपने प्रदर्शन दिया तो आपको यह आशा होती है कि आपको कुछ ना कुछ उसका परिणाम भी मिलेगा यानी कि आउटकम भी मिलेगा मार्क्स के तौर पर हो सकता है अब वैलेंस क्या होता है वैलेंस होता है एक्चुअल मूल्यांकन नहीं जबकि परसीव्ड मूल्यांकन जैसे अगर मैं उदाहरण के तौर पर बोलूं जिस बच्चे ने इतनी कोशिश करी उस कोशिश के बाद उसने कुछ प्रदर्शन किया उस प्रदर्शन के बाद उसके स्कूल में उसे दस हजार रुपए का इनाम दिया गया परिणाम तो मिला यानी कि दस हजार रुपए का इनाम मिला लेकिन पाया गया कि वह बच्चा अभी भी खुश नहीं है उसने कोशिश करी कोशिश के अनुसार उसने अपना प्रदर्शन किया प्रदर्शन के अनुसार उसने आउटकम उसको मिला आउटकम के तौर पर यानी कि परिणाम के तौर पर उसको मिले दस हजार रुपए अब वह बच्चा जिस परिणाम की आशा कर रहा था वह था कि उसके अच्छे मार्क्स की वजह से उसके अच्छे परिणाम की वजह से उसकी पूरे साल की फीस माफ कर दी जाएगी या ये कहिए उसको तो बस यही देखना था कि मेरे सौ में से नब्बे नंबर आए हैं या पचानवे या अस्सी लेकिन उसके शिक्षक ने उसको नंबर ना बताते हुए सिर्फ उसको दस हजार रुपए का इनाम दिया और कहा कि तुम्हारा परिणाम अच्छा है लेकिन उस बच्चे के लिए दस हजार रुपए की कोई मूल्य नहीं था उस बच्चे के लिए क्या मूल्य था उसकी आंसर शीट में उसका शिक्षक अगर लिख देता कि उसके पचानवे नंबर आए हैं सौ में से तो वह बच्चा और ज्यादा प्रेरित होता अगली बार कार्य करने के लिए लेकिन इसी के विपरीत हो सकता है कोई एक बच्चा है उसको उसके पचानवे नंबर आए तो उसको स्कूल वालों ने एक सर्टिफिकेट दिया सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन लेकिन उसे लगा कि ये सर्टिफिकेट तो मैं बहुत ही सस्ता है इसका क्या मूल्य है क्योंकि वह उसके मूल्य को नहीं समझ रहा था उसे लग रहा था कि प्रिंटिंग करने में कितने रुपए जाते होंगे उसे चाहत थी दस हज़ार रुपए के इनाम की तो अब देखिए जैसे जैसे इंसान की धारणा अलग अलग होती है उसके लिए परिणाम का मूल्य बदल जाता है तो यहाँ जो हम परिणाम की बात करते हैं जब वैलेंस की बात कर रहे हैं जिसकर्षण शक्ति की बात कर रहे हैं तो ये माना जाता है कि जो परिणाम आपको मिला है अगर वह परिणाम आपके अनुसार है आपको वह परिणाम मूल्यवान लगता है तभी आप इस मोटिवेशन साइकिल में आएंगे और आप फिर से कोशिश करेंगे फिर से प्रदर्शन दिखाएंगे और फिर से परिणाम पाएंगे लेकिन अगर आपकी नज़र में उस परिणाम की कोई वैल्यू नहीं है तो आप फिर से कोई प्रदर्शन नहीं दिखाएंगे तभी यह बोला गया कि मोटिवेशन जो है वो एक्सपेक्टेंसी यानी कि प्रत्याशा कर्णत्व और करषण शक्ति का मल्टीप्लायर है इसमें से एक भी चीज़ शून्य होती है तो इसका मतलब आपकी मोटिवेशन पार यानी कि आपकी प्रेरणा की शक्ति कम है कम मतलब शून्य हो गई आप उस कार्य को दोबारा करना नहीं चाहेंगे तो यह थी विक्टर व्रूम की मोटिवेशन थेरी जिसमें उन्होंने किस पर जोर दिया उन्होंने जोर दिया कि हम इंसान अगर कोई कोशिश करते हैं एफर्ट लगाते हैं तो हम आशा करते हैं कि उसका प्रदर्शन आएगा उसकी परफॉर्मेंस आएगी और उस परफॉर्मेंस के बेसिस पर हम परिणाम की आशा करते हैं लेकिन परिणाम जब हम बात करते हैं तो अगर हमारे अनुरूप होता है हम उसको मूल्यवान समझते हैं तभी हम इस मोटिवेशन की सतत प्रक्रिया में जाते हैं कंटिन्यूस प्रोसेस में बढ़ते हैं नहीं तो हम वहीं पर छोड़ देते हैं उसको तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पॉटर और लॉलर द्वारा प्रेरणा का सिद्धांत देने की पॉटर और लॉलर का जो सिद्धांत है वह कहीं ना कहीं विक्टर व्रूम के सिद्धांत को ही आगे बढ़ाता है लाइमन पॉटर और एडवर्ड लॉलर ने यह प्रेरणा का सिद्धांत दिया यह एक बहुभिन्न रूपी मल्टीवेरिएट मॉडल है इस मॉडल के अनुसार व्यक्तिगत व्यवहार व्यक्ति और पर्यावरण में कारकों के संयोजन से निर्धारित होता है और यही नहीं व्यक्तियों को तर्कसंगत यानी कि रेशनल मनुष्य कहा जाता है जो सचेत हैं अपने निर्णय लेने के लिए व्यक्तियों की अलग अलग जरूरतें इच्छाएं और लक्ष्य होता है ऐसा पॉटर एंड लॉलर का मानना था अब मैं आपको लेके चलती हूं उनके सिद्धांत पर अगर आप इस चित्र को देख पा रहे हैं तो एक चित्र में अगर आप विक्टर व्रूम की थ्योरी को ढूंढ पाए तो इसमें कही कहीं ना कहीं एफर्ट परफॉर्मेंस संतुष्टि यानी कि आउटकम की बात इनाम यानी कि आउटकम ही है जिसकी बात हो रही है लेकिन पॉटर एंड लॉलर ने कहा कि यह सिद्धांत यह प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है कि किसी इंसान ने कोशिश करी कोशिश करने पर प्रदर्शन आया प्रदर्शन करने पर कोई परिणाम आया परिणाम आपके मन के हिसाब का हुआ तो आप फिर से कोशिश करेंगे उन्होंने कहा कि बहुत सारे अलग अलग कारक हैं जो हमारे कोशिशों को हमारे एफर्ट को प्रभावित करते हैं और सिर्फ यही नहीं हमारे प्रदर्शन को बहुत सारी चीजें प्रभावित करती हैं हमारे टिस्फैक्शन को संतुष्टि को बहुत सारी चीजें प्रभावित करती हैं तो आइए जानते हैं और समझते हैं कि कैसे पॉटर एंड लॉलर रे विक्टर ब्रूम की थ्योरी को आगे लेके गए तो सबसे पहले जब उन्होंने बात करी उन्होंने कहा कि एफर्ट विक्टर ब्रूम ने कहा कि कोई भी इंसान अगर कोशिश करेगा तो उसका प्रदर्शन आएगा लेकिन उन्होंने कहा कि कोई इंसान कोशिश करेगा लेकिन उसके अंदर वह कार्य करने की क्षमता ही नहीं है तो वह कोशिश कहां से कर पाएगा आप सोच के देखिए आप आईआईटी का एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं लेकिन आपको बेसिक मैथमेटिक्स को की कैलकुलेशंस कंप्यूट करने में दिक्कत आती है आप बेसिक चीजें जो बिल्कुल ही सिंपल सरल होती हैं कैलकुलेशंस, आप उन्हें नहीं कर पाते तो आप कहां से सोचते हैं तो पहले आपको क्या करना होगा पहले आपको उन कैलकुलेशंस को सॉल्व करने की एबिलिटी यानी कि क्षमता अपने अंदर लानी पड़ेगी लेकिन विक्टर ब्रूम ने कहा था सिर्फ कोशिश करेंगे तो प्रदर्शन होगा लेकिन पॉटर एंड लॉलर ने कहा कि जब तक उस कोशिश को करने के लिए आपके पास क्षमता नहीं है कौशल नहीं है तो आपकी कोशिश का कोई फायदा नहीं होगा और जब कोई फायदा ही नहीं होगा तो प्रेरणा कहां से आएगी तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले जब हम एफर्ट की बात करते हैं कोशिश की बात करते हैं तो उसके लिए किसी इंसान में उस कोशिश को करने की क्षमता का होना बेहद जरूरी है इसके साथ ही साथ उन्होंने संगठन के कंटेक्स्ट में ये बात कही कि बहुत बार कर्मचारियों को यही नहीं पता होता कि उन्हें कार्य करना क्या है कोशिश किस चीज के लिए लगानी है क्योंकि जो कार्य जो रोल जो नौकरी जो पद उन्हें सौंपा गया है उस पद से रिलेटेड उन्हें कोई क्लैरिटी नहीं है उन्हें बताया ही नहीं गया कि उनके पद पर उन्हें रहते हुए क्या क्या कार्य करने हैं उनका कार्य का क्या मायने हैं तो यह होता है भूमिका धारणा कि क्या उस इंसान को यह पता है कि उसे कार्य करने क्या है उसका रोल है क्या तभी तो वह उसी हिसाब से एफर्ट्स या फिर कोशिश करेगा तो उन्होंने कहा अगर किसी इंसान को किसी इंसान के पास क्षमता है उस कार्य को करने की उसको अपने रोल की क्लैरिटी है कोई कंफ्यूजन नहीं है तो वह अपने कौशल अपनी कोशिश करता है और कोशिश करने से आता है प्रदर्शन यानी कि परफॉर्मेंस अब परफॉर्मेंस के बाद विक्टर ब्रूम ने क्या बात करी थी आउटकम की यानी कि परिणाम की और वहां पर उन्होंने बाहरी परिणाम के ही बात करे थे लेकिन यहां पर पॉटर एंड लॉलर ने कहा कि अलग अलग प्रकार के इंसान होते हैं और वो अलग अलग प्रकार से प्रभावित होते हैं उनके अंदर अलग अलग तरीके के इनाम की चाह होती है कि मैंने कोशिश करी कोशिश के बाद प्रदर्शन आया लेकिन मैं प्रदर्शन में किसी को दिखाना नहीं चाहती थी वो मेरे लिए खुद में प्रदर्शन था यानी कि आंतरिक इनाम मैं अपने आप को दे रही थी अपने लिए अपने इंटरनल रिवॉर्ड्स के लिए मैं कार्य कर रही थी मैं किसी के लिए कार्य नहीं कर रही थी मैं यह नहीं चाहती थी कि मेरी कंपनी मुझे ऊंचे पद पर बिठा दे या मेरा वेतन बढ़ा दे उस परफॉर्मेंस से मैं तो सिर्फ अपने लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए अपने आत्मसम्मान के लिए अपना कार्य कर रही थी तो इसे बोलते हैं इंटरनल रिवॉर्ड्स इसके साथ ही साथ पोर्टर एंड लॉलर ने एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स की बात करें कि हाँ कुछ इंसान होते हैं कुछ मनुष्य होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ बाहरी इनाम यानी कि एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स के लिए कार्य करते हैं कि हाँ मैंने कोशिश करी प्रदर्शन आया तो अब मेरा वेतन बढ़ाया जाए मुझे अच्छी सैलरी दी जाए मुझे अच्छे पद पर रखा जाए या कुछ भी अब जब ये होता है तो हम मानते हैं कि हमें संतुष्टि होती है हमारे अनुसार अगर हमको इनाम मिलेगा रिवॉर्ड मिलेगा तो हमें सेटिस्फैक्शन होता है संतुष्टि होती है अब जब हम संतुष्टि की बात करते हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर संतुष्टि जुड़ा हुआ है पुरस्कार के मूल्य से संतुष्टि कब होगी जब आपको पुरस्कार मिला लेकिन पुरस्कार अगर आपके लिए मूल्यवान है अगर आपको वैल्यूएबल लगता है तभी आप फिर से कोशिश करेंगे अगर नहीं लगता आपके हिसाब से नहीं है तो आप कोशिश में आगे अगली बार नहीं बढ़ेंगे साथ ही साथ उन्होंने एक और चीज की बात करी उन्होंने कहा कि एफर्ट रिवार्ड प्रोबेबिलिटी कितनी है यानी कि कथित प्रयास और इनाम की संभावना कितनी है जैसा कि कभी कभार आपने अपने घर पर देखा होगा आपको आपने कुछ कार्य करना है आपने दसवीं की परीक्षा पास करनी है तो आपके घर पर आपके पिताजी ने कहा कि हम आपको आपकी मनचाही चीज लेके देंगे आप नब्बे परसेंट लेकर आओ आप नब्बे परसेंट लेकर आए तो पिताजी ने कहा कोई बात नहीं ग्यारहवीं में सोचेंगे ग्यारहवीं में भी आप नब्बे परसेंट लेकर आए तो पिताजी ने कहा अब तुम बारहवीं में ले आओ पचानवे परसेंट तो हम पक्का आपकी मनचाही चीज दिलाएंगे तो अब आपको क्या समझ आया कि आपकी एफर्ट रिवॉर्ड प्रोबेबिलिटी आप कोशिश करते हो एफर्ट डालते हो लेकिन आपको इनाम मिलने की प्रोबेबिलिटी संभावना शून्य है क्योंकि दो बार आपके साथ ऐसा हुआ तो जब कथित प्रयास और इनाम की संभावना हमें कम दिखती है हमें लगता है अगर हम संगठन की बात करें हमें लगता है कि हर बार हमारा प्रबंधक हमें कह देता है कि वह हमें इनाम देगा इस कार्य के लिए लेकिन एक बार उसने नहीं दिया दो बार नहीं दिया तीसरी बार हम कोश हम अपनी कोशिश करते ही नहीं हैं क्योंकि हमें पता चल जाता है कि यह तो सिर्फ कहने की बात है हमें कोई इनाम नहीं मिलेगा तो आपके जो एफर्ट होते हैं सिर्फ और सिर्फ एबिलिटी और रोल परसेप्शन पर नहीं डिपेंडेंट होते हैं वे निर्धारित किए जाते हैं कि आपके लिए जो आपको पुरस्कार दिया जा रहा है वह मूल्यवान है या नहीं अगर वह मूल्यवान नहीं होगा तो आप कोशिश नहीं करते हैं और इसी के साथ साथ अगर आपको दिखता है कि आपके प्रयास और इनाम मिलने की संभावना शून्य है तो भी आप कोशिश नहीं करते हैं इसके साथ साथ एक और चीज पर मैं बात करूंगी जो होता है परसीव्ड इक्विटी ऑफ रिवॉर्ड कि आप यह देख पाए कि आपके प्रबंधक आपके सीनियर कितनी समानता से पुरस्कारों का वितरण करते हैं सभी कर्मचारियों में अगर आपको थोड़ी सी भी भनक लग जाती है कि यह वितरण समानता से नहीं हुआ तो यह आपकी प्रदर्शन पर आपकी परफॉर्मेंस पर प्रभाव डालता है तो विक्टर ब्रूम ने जो चीज़ जो बड़ी ही सिंपल सी चीज़ कही थी सरल सी चीज़ कही थी कि अगर आप कोशिश करेंगे तो प्रदर्शन आएगा प्रदर्शन करेंगे तो परिणाम मिलेगा तो पॉडर एंड लॉलर ने थोड़ा सा और गहन विचार करके उसमें और वेरिएबल्स को ऐड किया और बताया कि हमारी कोशिश करना बहुत सारे अलग अलग कारकों पर निर्भर करता है जैसे कि आप में वो एबिलिटी है या नहीं आपको रोल परसेप्शन की क्लैरिटी है या नहीं आपको लगता है कि आपके प्रयास के आपको इनाम मिलेगा उसकी संभावना है या नहीं इसके अलावा आपके लिए वो पुरस्कार मूल्यवान है या नहीं फिर उसके बाद आप परफॉर्मेंस देते हैं तो परफॉर्मेंस के बाद भी पॉटर एंड लॉलर ने परिणाम आउटकम रिवॉर्ड्स को दो भागों में विभाजित किया एक तो इंटरनल यानी कि आंतरिक इनाम और बाहरी इनाम बाहरी इनाम मतलब जो हम दिखावे के लिए या हमें जो दिख रहे हैं चीज़ें हमें चाहे वेतन के तौर पर बड़ा हुआ वेतन के तौर पर या बड़े पद के तौर पर हमें मिल रहा है संगठन में और आंतरिक इनाम जो हम अपनी खुशी के लिए कार्य कर रहे हैं हम किसी को दिखाने के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं फिर उन्होंने बात करी कि अगर हमें इस बात की भनक लग जाती है कि हमारे प्रबंधक ने इनाम वितरण करते वक्त समानता नहीं बढ़ती है तो यह भी एक महत्वपूर्ण कारक होता है जो आपकी आपके प्रदर्शन को कम करता है आपकी परफॉर्मेंस को घटाता है तो यह था पॉटर एंड लॉलर का सिद्धांत जिसमें उन्होंने मल्टी वेरिएट अलग अलग तरीके के वेरिएबल्स को लेकर आए और यह समझाया कि, कि किस प्रकार कोई भी मानव किसी भी कार्य को करने के लिए प्रेरित होता है आगे बढ़ता है तो जब हम बात करते हैं प्रेरणा के सिद्धांतों की तो प्रेरणा के सिद्धांत में हमने इस सत्र में जिस पर बात करी है हमने पहले समझा है कि प्रेरणा है क्या हमने फिर यह जाना कि अब्राहम मैस्लो की प्रेरणा का सिद्धांत क्या है हमने यह भी देखा कि किस प्रकार क्लेटन एल्डरफर ने मैस्लो के सिद्धांतों में या उसमें जो दोष पाए गए थे उन दोषों को दूर करते हुए वह किस प्रकार एग्जिस्टेंस रिलेटेडनेस और ग्रोथ नीड की थेरी को सिद्धांत को लेकर आए इसके अलावा हमने बात करी डेविड मैकलेंट की ऑफ की जिस की जिसमें उन्होंने एक्वायर्ड बात करी और सिर्फ यही नहीं हमने देखा कि किस प्रकार विक्टर व्रूम का एक्सपेक्टेंसी थेरी कार्य करता है और कैसे पॉटर एंड लॉलर ने उसमें और वेरिएबल्स लगाकर उस थेरी को उस सिद्धांत को थोड़ा और रियलिस्टिक बनाया तो मैं आशा करती हूं प्रिय विद्यार्थियों कि आप लोगों को ये सारे सिद्धांत समझ आए होंगे और साथ ही साथ जब आप प्रबंधक के तौर पर अपने संगठन में जाएंगे अपनी संस्था में जाएंगे तो आप कोशिश करेंगे यह पहचानने की कि आपके जो अधीनस्थ हैं उनकी क्या जरूरतें हैं क्या आवश्यकताएं हैं और उन आवश्यकताओं के उन आवश्यकताओं को सोचते हुए ही आप उनके लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनेंगे और उनको प्रेरणा देंगे तो प्रिय छात्रों मैं आशा करती हूं कि आपको आज का व्याख्यान अच्छे से समझ आया होगा धन्यवाद